हे गाइस वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों देखिएगा 14 जुलाई को जो इंडियन एयरफोर्स का पेपर हुआ है तीनों शिफ्ट के अंदर, वो सभी जो क्वेश्चंस बच्चों ने मुझे भेजे हैं वो मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट आगे आने वाले पेपर्स में क्या क्या पढ़ लेना है, देखिएगा बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं तो और रिपीट ही कॉन्सेप्ट हो रहे हैं तो उन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। देखो 10 से 12 क्वेश्चंस जो हैं वो आज की शिफ्ट में आए हुए हैं और वो मात्र जो हैं वो 15 से 20 दिन की वीडियोज़ हैं। तो चलेगा वीडियो शुरू करते हैं, प्रूफ हम लास्ट में दिखाएंगे। अब देखिएगा पहला एक क्वेश्चन आया था जिसका एंटोनियम आपसे पूछा था और वो ऐसे था कि एडवर्सिटी, ये देख तो रहा होगा ना, एडवर्सिटी इसका उल्टा होता है प्रॉस्पेरिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मतलब डिफ़िकल्टी, क्या होता है डिफ़िकल्टी, याद हो जाएगा उल्टा हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। दूसरा पूछा गया था कि इन्वेस्टिगेशन की स्पेलिंग आपसे पूछी गई थी तो इन्वेस्टिगेट करना, अगर इसकी वर्ब पूछी जाए तो इन्वेस्टिगेट हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन ये नाउन होता है तो स्पेलिंग को भी आपको याद कर लेना है। आगे पूछा गया था ओबिडेंस, तो देखिए इसकी वर्ब पूछी थी ओबिडेंट की, तो ये ओबे होता है, एकदम याद होगा ये तो आपको। आगे देखिएगा ये पूछा था ग्रेन्स आर स्टोर्ड, मतलब वेयर, कोई ऐसा स्थान जहाँ पर अनाज को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ग्रेनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ग्रेनरी यानी अनाज की मंडी, याद हो जाएगा। आगे देखिएगा रिसीव की स्पेलिंग, देखो डिसीव हो रिसीव हो इनकी स्पेलिंग आप ज़रूर याद रखिएगा, तो रिसीव की स्पेलिंग आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिएगा एक ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आया था, कल भी मैंने आपसे कहा था बस जो प्रेजेंट है उसको पास्ट में बदल देना है, तो इजारे को किस में बदल देंगे, वॉचवर में, तो वॉचवर वाला जो भी आंसर होगा वो इसका आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। और वैसे कर सकते हैं इसे कि द स्टेशन मास्टर टोल्ड टू मी दैट द ट्रेन वॉज लेट 2 आवर्स, इस तरह से बन जाएगा। आगे देखिएगा आगे पूछा गया था कि कॉशियस जो है कॉशियसली, इसका जो सुरोनियम होता है वो क्या होता है, केयरफुली, वही कॉशन वही है। अब देखो सिंस वाला एक कॉन्सेप्ट आया था, ये मैंने खूब समझाया आपको कि सिंस अगर कभी भी किसी सेंटेंस के बीच में आ रहा हो तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है और सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट आता है। कल देखो आफ्टर और बिफोर वाला आ गया था, तो आफ्टर माने क्या होता है बाद, मतलब आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हेड थर्ड फॉर्म, तो आफ्टर से पहले वाला बचा हुआ सेंटेंस है उसमें सेकेंड फॉर्म, तो जैसा उसका अर्थ है वैसा ही वो काम करता है। ऑक्यूपाई की स्पेलिंग पूछी गई थी, ऑक्यूपन फिल अ स्पेस, कोई खाली जगह ऑक्यूपाई है ना जो उस पर एक तरह से भर देना। आगे देखो स्टेबल ये पूछा गया था, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, अस्तबल यानी स्टेबल बोलते हैं, राइट, और स्टेबल एक फर्म भी होता है। आगे देखिएगा कंप्लेंट की स्पेलिंग आपसे पूछी थी, कंप्लेंट मतलब क्या होता है, शिकायत करना, और कंप्लेन ये भी शिकायत करना होता है, तो याद रखेंगे आप। आगे देखिएगा अशोक रूल्ड ओवर, ये पूछा गया था कि रूल के बाद अशोक है किसी स्थान पर अगर शासन करेगा तो शासन से संबंधित जो भी फ्रेजल वर्ब होती है वो होते हैं रूल ओवर, तो रूल ओवर का मतलब कंट्रोल ओवर समवन या समथिंग, किसी भी चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेना उसे बोलते हैं रूल ओवर। आगे देखिएगा आगे पूछा गया था अ फेदर इन माई कैप, मतलब मेरी कैप के अंदर फेदर लगी हुई है, पंख लगी है, इसका मतलब है कि अचीवमेंट बोला जाता है, क्या बोलते हैं, अ फेदर इन माई कैप का मतलब होता है एन अचीवमेंट। आगे पूछा गया था कि डिवार, तो डिवार्ड, डिवार्ड के साथ में क्या होता है फ्रॉम, और जब भी कभी कोई प्रेपोजिशन के बाद में कभी भी कोई वर्ब आएगा तो वो जीरंड की फॉर्म आती है। आगे देखिएगा ये आपको बताना था, ये पूरा सेंटेंस लिखा है और इसमें आपको एरर बताना था, तो बहुत सिंपल था, ये कल ही मैंने आपको समझाया था कि भाई देखो इसमें हमेशा कंडीशनल सेंटेंस होता है, एक में बुड एफ थर्ड फॉर्म और दूसरे में हेड थर्ड फॉर्म आता है, ये तो है लेकिन बीच में कंजंक्शन जो होता है वो इफ़ आता है, वैन नहीं, इफ, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी आपको बताना है। तो देखो ये मैंने यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, इफ़ के साथ मतलब इफ़ से स्टार्ट हो सकता है या बीच में भी आपका इफ आ सकता है। आगे देखिए ही सेड डू नॉट डैश मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, अब देखिएगा इंटरप्ट या इंटरप्टेड में से लगाना था और ये बहुत ही ज़्यादा सरल है, पता है कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि कभी भी डू नॉट हो डिड नॉट हो या फिर डज नॉट हो इनके बाद हमेशा बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए बर्फ की फर्स्ट फॉर्म ए वाली है। आगे देखिएगा टिमिड का उल्टा क्या होता है, मतलब साहसी, बोल्ड, क्योंकि टिमिड माने डरपोक होता है, कावर्ड होता है। एक है कैवलरी, मतलब इसका फाइट ऑन हॉर्सेस यानी घोड़े के ऊपर चढ़कर के और लड़ाई युद्ध किया जाता है ना उसको बोलते हैं कैवलरी। आगे देखिएगा फ्यूटाइल का सुरोनियम पूछा गया था, मतलब यूजलेस फ्रूटलेस इस तरह से।
एक कॉन्सेप्ट आया था कि ईच ऑफ द स्टूडेंट वॉच। अब इसमें से एक गलती आपको बताना था। देखिए, हमेशा मैंने बताया कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ कभी भी आ जाए तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो तो हमेशा सिंगुलर आती है, लेकिन इस ऑफ के बाद में जो भी ये नाउन चलता है वो हमेशा प्लूरल चलता है, इसलिए स्टूडेंट्स आ जाएगा। ये मैं हमेशा तीन चीज़ें एक साथ बोलता हूँ। आगे देखिएगा, टेरिफाइंग की स्पेलिंग पूछी गई थी, तो टेरिफाइंग ये होता है। अगर टेरिफाइंग की कुछ बच्चे बोल रहे थे कि वर्ब आई है, तो कोई बात नहीं, आईएनजी को हटा दो, टेरिफाई हो जाएगा, डर। आगे पूछा गया था अग्रेशन की स्पेलिंग, तो अग्रेशन की स्पेलिंग अग्रेसिव, ये देखो याद कर लीजिए, आक्रामक होता है। आगे पूछा गया था एक पैसिव, द ड्राइवर वॉज ब्लोइंग द हॉर्न, मतलब ड्राइवर जो था वो हॉर्न बजा रहा था। मैंने कल भी बताया था कि अगर वॉजवर आ जाए तो जो पैसिव बनेगा वो वॉजवर बीइंग थर्ड फॉर्म में बन जाएगा, इजारेम आईएनजी आ जाए तो इजारेम बीइंग थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो बस आपको वर्ब देखनी थी और वो आट्राम से आपको टिक करना है। शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, तो जाहिर है वो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, डॉक्टर के अकॉर्डिंग आर्टिकल का था। आगे वेन शी वॉज यंग, जब वो यंग थी, जब वो जवान थी, शी राइट पोइट्री, मतलब वो पोइट्री लिखा करती थी, तो जाहिर है ये पास्ट की बात हो रही है, तो बताओ कैन और बिल ये तो प्रेजेंट और फ्यूचर है, जबकि पास्ट होना चाहिए। तो संभावना एक किसी की एबिलिटी है, एबिलिटी को बताया जा रहा है पास्ट की क्यों, तो जाहिर है यहाँ पर कुड जो है वो बेटर रहेगा, बुड नहीं आएगा। आगे देखो रेप्लिकेबल, रेप्लिकेबल का मतलब क्या होता है, किसी को कॉपी कर लेना, मतलब रिप्रोड्यूस या कॉपी। स्माइल एट मी, ये सबको पता होगा, स्माइल के बाद ऑब्जेक्ट जब आता है तो एट लगा देते हैं। आगे पूछा गया था विजिलेंट, विजिलेंट का सरोनियम आपसे पूछा ला, जैसे विजिलेंस कमिश्नर होते हैं ना, ऐसे ही विजिलेंट, तो विजिलेंट का सरोनियम क्या होता है, वॉचफुल, ये आपको याद करना था। ये सब मैंने आपको बताई थी, अभी आपको जो है प्रूफ दे दूंगा। फ्रेल का सरोनियम पूछा गया था वीक या फ्रेजाइल, ये वॉकैब में मैंने आपको बताया था, ये समझो फ्रेल लिख रहा है रेल, और रेल में आप फ्री में जब यात्रा करोगे तो रेल डिपार्टमेंट कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अबेंडन पूछा गया था, अबेंडन का सरोनियम क्या होता, लीव यानी छोड़ देना, जैसे मैंने बोला ना कि भाई अबेंडन, अब डॉन पर भी बैन लग गया तो जाए जाए वो उस घर को छोड़ देगा, ऐसे बताया था। अकोमोडेशन की स्पेलिंग आपको सही लिखने के लिए आई थी, अकोमोडेशन की स्पेलिंग देख लीजिए क्या होता है। आगे अब आप बोर्ड, मतलब बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के ऊपर क्या होता है, एकदम ऑनेस्ट या फेयर या विदाउट एनी सीक्रेट, ये इसका मतलब होता है। अब आप बोर्ड का ये भी मैंने करवाया था। अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, ऐसा व्यक्ति जो हर व्यक्ति से प्यार करता है उसे ऑल्ट्रिस्ट बोलते हैं, ये भी मैंने आपको करवाया था। तो देखिएगा, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भाई देखो कम समय के अंदर पूरा पेपर आपका पूरे दिन का आपको मिल जाए, और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मात्र 10 मिनट के अंदर पूरा पेपर पूरे दिन में जो होता है वो आपको मिल जाता है। अब देखिएगा, अब मैं आपको छोटी सी चीज़ एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ, अब तक जो आया था ये पूरा पीडीएफ बन रहा है, टेंशन मत लेना, मैं आपको इसे दे दूंगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये आया था प्रेजेंट सबसे पहले पेपर में, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से सिंस फॉर लगवा रहा था तो वो आप लगा देना, हैज़ बीन, हैव बीन भी लगवा सकते हैं आपसे। और देखो पहले ही पेपर में कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था कि देखो अनटिल अनलेस आ जाए, तो अगर किसी भी सेंटेंस में अनटिल या अनलेस लग रहा है तो इसका जो भी पार्ट होगा वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, तो देखो यहाँ पर भी ये लिख रहा है इसलिए इफ आ गया। आगे मैंने ये बोला था द टीम ऑफ डॉक्टर्स, ऑफ से पहले, प्रीपोजिशन से पहले जो सिंगुलर होता है सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। डील क्या होता है, किसी व्यक्ति के साथ में विद और किसी चीज़ में, बिजनेस में तो इन लगाते हैं डील के बाद। ये देखो डबल ऑब्जेक्ट वाला एक्टिव पैसिव आया था, तो ये आप बना सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का सिनोनिम क्या होता है, यूजलेस। आगे देखो एम्बिग्यूस, जिसके बहुत सारे अर्थ हों, उल्टा क्या हो जाएगा, ल्यूसिड हो जाएगा। प्रीपोजिशन के कुछ सवाल थे डील वाला। हिंडर, हिंडर का सरोनियम क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन या हैम्परिंग, ये बताया था मैं आपको। डिस्ट्रेस्ड मनी है, जैसे मनी से पहले आपको लिटिल या फ्यू लगाना था, तो अगर ही हैज कभी लिख रहा हो तो ये देख लो ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो द लिटिल लगा दो, और अगर काउंटेबल है तो द फ्यू लगा दो, अगर ही मतलब हैज आ रहा है तो कुछ भी समझो। ये देखो इजारेम आ गया ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने क्या बोला, इजारेम को वॉज वर्ब में बदल दो, तो इजारेम आईएनजी, तो ये हो जाएगा वॉज वर्ब बीइंग आईएनजी हो जाएगा।
ट्रिंक्विलिटी, ये बताया था पीस रेस्टफुल, ये सब देखो ये मैंने करवा दिए। एडमायर का प्रेज होता है, मॉडर्न फूल्स का सैड है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग आपसे पूछी गई थी। तो अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि भाई ये ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। देखो क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब वही हाइपोक्रिटिकल हो जाएगा, बेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन वेटरन बोलते हैं, टर्स मतलब वही ब्रीफ अटर्स रिप्लाई, छोटा सा रिप्लाई देते हैं उसे अटर्स रिप्लाई बोलते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने आपको, ये चीज़ें ऐसी हैं जब आपको कुछ सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे कि पास्ट में है तो आगे भी वो पास्ट में चलेगा। जैसे देखो सी वॉश शॉप, ये देखो पास्ट में, वैन के बाद हर्ड, ये भी पास्ट में, तो भाई इसके बाद जो भी ये भरवाएगा ये भी तो पास्ट में ही आएगा ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है सर, ये मैंने आपको बता दिया। ये देखो लेटेंट का एक्टिव हो जाएगा, लिव शुड का क्लियर हो जाएगा। तो ये सब पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस अपना ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा प्रूफ दिखा देता हूँ। अब आप थोड़े प्रूफ देख लीजिएगा, जिनको थोड़ा कम भरोसा होता है, नए विद्यार्थी हैं। देखिएगा ये मैंने 25 जून को करवाया था, ईच ऑफ वाला, देखिए ईच ऑफ के बाद ये प्लूरल आता है और ये सिंगुलर, देखो एस भी लगा रखा है, एक नंबर। उसके बाद देखो विजिलेंट का, ये जस्ट दो वीक पहले करवाया मैंने, दो नंबर। ये देखो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला आया था, आपको पता हो तो, उसके बाद प्रीपोजिशन फिल करवाने के लिए आया था, तीन नंबर। फ्रेल चार नंबर, अबेंडन पाँच नंबर, तीन वीक पहले। एकोमोडेशन छः नंबर, ये देखो ऑल ट्रस्ट वाला सात नंबर, ये जस्ट तीन महीने पहले का वीडियो है। अ फेदर इन माई कैप, ये देखो आठ नंबर। इसके बाद अब अ बोर्ड नौ नंबर, ये जस्ट देखो तीन महीने पहले का वीडियो है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो है ना, जो भी आपने पढ़ा है, भरोसा करना आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए शक और डाउट नहीं होना चाहिए। जो डाउट करेगा वो डाउट करके भी क्या कर लेगा, सिर्फ अपने आप को परेशान कर सकता है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनको बस पढ़ के चले जाना, आपका भला हो जाएगा। और बताओ आपका पेपर कैसा जा रहा है यार, कुछ कमेंट वमेंट तो किया करो, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो, है ना, ये सब आपके लिए मेहनत की जा रही है। पूरे दिन का जो भी निचोड़ होता है वो मैं 10 से 12 मिनट में आपको दे देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा टाइम के साथ में आपका टाइम बर्बाद किया जाए। चलिए धन्यवाद।